भाई सर्विसिंग का 3000, इसका पार्ट्स का कितना महंगा लेगा। लो जी गाइस हम पहुंच गए शांति स्तूपा। मोमो और थुक्पा का मिक्स है ये, कैसा लगा था? ये क्या है? इसका सिंग दही बहुत खट्टा है। तो ये तो ये हाउस कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार। इधर मैं लेट भी सकता हूँ, सो भी सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। हम वीडियो बनाएंगे ना, हम वीडियो बनाएंगे ना, सब लोग फोटो। हम भी आएंगे ना बस। मैं यार लाइफ में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, मजाक मत उड़ाना कसम से। हमने बनाया था 1400 का बिल, पूरा फ्री भाई, पूरा फ्री। हम जा रहे हैं अभी शांति स्तूपा, देख सकते हो स्कूटी अभी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। और हमारा खरमादाय एकदम बिल्कुल रेडी, सो अभी जाएंगे शांति स्तूपा, उसके बाद देखेंगे गाइस किधर किधर घूमना होगा। हम खाने आए थे गाइस नाश्ता, इतना भयंकर भीड़ है, क्या बताओ यार। हमारा नाश्ता आ गया, मोमो और थुक्पा का मिक्स है ये। हम जा रहे हैं गाइस गोम्पा, जहाँ पर बहुत बड़ा बुद्धा भगवान का स्टैचू है। और रास्ता देख सकते हो कितना बढ़िया है यार, ये बहुत मिस करेंगे। और कर्मा दाई को, दाई नेपाल में आना आप, ठीक है? नेपाल आएंगे। दाई को यार बुलाना तो पड़ेगा ना, इतना दिन रुका, इतना अच्छा लगा यार, क्या बताओ। और लद्दाख के लोग बहुत अच्छे है यार, देख सकते हो रास्ता तो काफी सुंदर है, अच्छा है। और हम जा रहे हैं गाइस मॉनेस्ट्री, इधर का लोकल हाउस है, कितना सुंदर है। इधर का हाउस का डिजाइन ही अलग होता है यार, बाहर से कितना सुंदर दिखता है, अंदर से भी कितना अच्छा है। ये देखो हमारे उधर अलग डिजाइन होता है और इधर अलग, बिल्कुल ही अलग है। जिसको बोलते हैं हम विलेज, ठीक है? कितना बढ़िया है यार, जो भी लद्दाख के लोग है ना, वो लोग काफी यार किस्मत वाले है सच में। बहुत सुंदर प्लेस में आप लोग पैदा हुआ और बहुत सुंदर आप लोग का घर है, तो बहुत सारा प्यार गाइस नेपाल से। हम पहुंच गए गाइस गुम्पक विलेज में, और यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़ा बुद्धा भगवान का स्टैचू है। और गाइस आप लोगों को पता है मैंने ले पैलेस से देखा था, और यहाँ से भाई ले पैलेस कितना दूर दिखता है ये देखो। आप लोगों को मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये है गाइस ले पैलेस, उधर से देखा था। और हम काफी अंदर आ गए, मतलब पूरा सिटी से अंदर। अभी जाएंगे ऊपर, शायद अभी तो बन रहा है, एक दो साल में ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद बहुत टूरिस्ट आएगा। दाई क्या खा रहे हो? ये क्या है? सीबक थोना। अच्छा ये खाने का चीज है क्या? ये जूस बनता है। जूस बनता है, जैम भी बनता है। अच्छा दाई बहुत खट्टा है, तो ये तो दाई नींबू जैसा है, नींबू जैसा बेरी है, बेरी बहुत खट्टा है। ये देखो भाई, ये देखो, और इसका जो केस है ना बहुत अच्छा है ना भाई, फ्लेवर अच्छा है भाई, थोड़ा खट्टा है पर अच्छा है। तो दाई को बोल दिया गाइस इधर घूमने आने का, तो एक ही बार में दाई मान गया, नाश्ता पानी पूरा होके आ गया। आप आते हो दाई इधर कभी कभी? फर्स्ट टाइम गाइस। इसको बोलते हैं लातो, ये है गांव का प्रोटेक्टर, इसको बोलते हैं माने। और यहाँ पर देख सकते हो भाई कितना बड़ा, ये क्या है? हमको तो नहीं पता यार, किसका? भैंस का होला, भैंस का सिंह नाम है। वेलकम गोम्पा। और आप बाकी आप लोग पढ़ लेना, मुझे प्रोनाउंसिएशन करना उतना खास नहीं आता। और यहाँ पर भाई अभी अभी बन रहा है, देख सकते हो कलर वगैरह है, तो शायद अभी काम चल रहा होगा, तो जाएंगे दर्शन करेंगे, देखेंगे। हम कितना लकी है यार, ओपनिंग नहीं हुआ, हम आ गए दर्शन करने के लिए। यहाँ से पीछे की नज़ारा देखते हैं, बुद्धवान पूरा सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो पूरा देख रहा है। अभी हम पीछे से जाएंगे, यहाँ से सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर से हम नजर रखेंगे, ठीक है? देख सकते हो भाई आर्ट्स भयंकर बन रहा है, बनाने वाला भी भयंकर होगा। थोड़ा कलर वगैरह बाकी है, तो आप लोग दर्शन कर सकते हो, कितना बढ़िया आर्ट्स है यार। एक बात बताओ, गुम्बा में हमेशा पीस होता है, इसमें बहुत सारा कहानी है जो हमको नहीं पता। यहाँ से देखते हैं गाइस हमारा ले सिटी, ये देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, इतना बड़ा स्टैचू बन चुका है। ये कमल का फूल है और ऊपर बुद्धा भगवान, नीचे से नजर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा काम चल रहा है और ऊपर है बुद्धा भगवान, तो इधर आ गया भाई, पूरा दर्शन भी कर लिया, पूरा घूम भी लिया, अब जाएंगे सीधा शांति स्तूपा। अंदर का नजर कुछ ऐसा है और यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है भाई, पूरा नेपाली लोग है, मतलब पूरा काठमांडू से।
और 4 महीना तो होगा, अभी 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। यहाँ पर पूरा घूम लिया, अब जाएंगे हम शांति स्तूप। ये देखो भाई स्कूटी, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, किक देना पड़ेगा, सेल्फ नहीं है ना। लो जी गाइस, हम पहुंच गए शांति स्तूप के आगे, और ये देख सकते हो गेट है। यहाँ से तो काफी अच्छा ले सिटी का नजारा देखते है। ये देखो भाई पूरा हरियाली, और यहाँ पर खरमा दाई का हाउस भी देख रहे हैं यार। ये देखो ब्लू कलर का, जहाँ पर हम रुके दाई आपका तो पास में, यहाँ से सीधा जिप लाइन बना दो वहाँ तक। हाँ वहाँ तक बना दो यार, कितना पैसे छापेगा यहाँ से बनाना। जैसे मतलब यहाँ से जाएगा ना सीधा कर्मा दाई के हाउस में। लो जी गाइस, हम पहुंच गए शांति स्तूप। ये है पीछे के साइड, अभी आगे से दिखाएंगे। फाइनली गाइस मैं पहुंच गया शांति स्तूप, और इधर इतना अच्छा है, इतना शांति है, क्या बताऊं यार। यू कैन सी गाइस कितना सुंदर है, और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, पीस के लिए, मेडिटेशन के लिए। अभी पूरा दर्शन भी हो गया और वैली भी पूरा दिखा दिया लेगा। तो फिलहाल निकलते हैं गाइस, शर्मा दाई के रेस्टोरेंट में आ गया। और वाइज स्तूप तो भाई पूरा पास है, ये देखो आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहीं पर है। सो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, तो इसलिए 1-2 किलोमीटर लग जाएगा। मेरा साइकिल गाइस एक हफ्ते से ऐसे पड़ा है, मतलब बीच बीच में मैं राइड करता हूँ, तो इसको बैनर भी चेंज करना पड़ेगा। सर्विस के लिए मैंने पूछा था, फुल सर्विसिंग के लिए 3000 बोल रहा है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा है। सिर्फ सर्विसिंग के लिए 3000 बोल रहा है, इसका सामान लगाएंगे तो बहुत महंगा होगा। तो देखेंगे भाई सर्विस भी करना है या नहीं, क्योंकि लद्दाख में बहुत महंगा है भाई सर्विसिंग का 3000, इसका पार्ट्स का कितना महंगा लेगा, तो देखेंगे गाइस क्या सीन होगा। अभी तो रेस्ट करेंगे। तो ये हाउस कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार, मुझे भी लाइफ में ऐसा घर बनाना है भाई इन फ्यूचर में, कितना अच्छा है। ये देखो ये कलर देख के भाई दिल को सुकून मिलता है, सुकून। ऊपर से गाइस नज़र कुछ ऐसा देखता है, वाह बिल्कुल अच्छा है। और इधर का कमरा भी काफ़ी बढ़िया है यार, ये देखो कपल्स भी आ सकते हैं, ट्रैवलर भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। थोड़ा अंदर है पर अच्छा है, क्योंकि इधर पीस है ना शांति, मुझे तो ऐसे जगह चाहिए। इधर मैं लेट भी सकता हूँ, सो भी सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। क्या लेकर आया मेरा दाई? चाय है, चाय है, लाल लाल चाय। इतना भाई इतना क्यों प्यार करते हो यार? अरे अरे ये गाँव कुत्ती लगा रहा है दाई। 8 बज चुके हैं और हम जाने वाले हैं गाइस मार्केट घूमने के लिए। ये देख सकते हो हलवा चाय। कौन है दाई? रेडी? लेट्स गो, उधर पार्टी होगा। पार्टी वार्टी नहीं होगा, जाए जस्ट हम घूमने जा रहे हैं। अभी हम बोर हो गए ना बैठे बैठे, मतलब ML खेल के खेल के। तो लेट्स गो भाई, दाई और मैं क्या ML खेलते हैं यार, बच्चे जैसा। स्कूटी मेरे से स्टार्ट नहीं होगा, थक गए यार। अरे यार किक मारते मारते मेरे बेहाल हो गया। ओ दाई को पहचानते हैं यार, पानी आ गया, चलो के। ये देखो पूरा दाई, रुमाल नहीं है ना? रुमाल नहीं है ना? क्या नहीं? रुमाल पानी पूछने वाला, ये फिर बंद करना पड़ेगा। चलो कहते गर्मी वैसे इतना ज़्यादा वो नहीं है। चलो गाइस लेट्स गो। ठीक है दाई चलते। ये है गाइस नाइट का नजर, अभी हम जाएंगे मार्केट, वो घूम के आएंगे पूरा। मौसम पूरा ठंडा ठंडा है सुबह से यार, बिल्कुल नहीं बदला ना दाई, नहीं। अब शायद ठंडा सीजन शुरू होगा, पता नहीं मुझे तो, लेट्स सी देखेंगे। सो गाइस चलते हैं मार्केट। हम पहुंच गए अभी ले पे, यहाँ पर देखो सब लोग फोटो खींच रहे हैं, आई लव ले पे। हम वीडियो बनाएंगे ना, हम वीडियो बनाएंगे ना, सब लोग फोटो खींच रहे हैं, हम भी आएंगे ना। ओ भाई चलो लाइक
भाई बोल रहे फोटो खींच रहे हम वीडियो बनाएंगे यार भाई। थोड़ा सरारत तो बनता है मेरे दोस्त। और गाइस ज़्यादा दिन भी नहीं है, मैं इधर रुकूंगा तो पता नहीं कितना दिन में निकल जाऊँगा। मुझे खलची भी देना है वापस, भाई लोग इन्वाइट कर रहे सो वो लोग कॉल आएगा गाड़ी में लेने के लिए। तो उधर जाके घूम के आके गाइस सीधा मनाली निकल जाऊँगा। बहुत मिस करेगा सच में यार लेह में। भाई ए टू जेड गैंगटॉक यार, सिक्किम गैंगटॉक ऐसे लगता है। ये नजारा ना अभी आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा क्योंकि मैं इधर से जाने वाला हूँ ना, तो इसलिए। सो ये है नाइट का नजारा। अभी तो भाई बहुत भीड़ है यार, शाम को इतना ज्यादा होता है क्या भाई? दिन में नहीं होता ना। आपका गिर गया ये, थैंक यू। जा रहे हैं इस रेस्टोरेंट में, इल्फोंडो रेस्टोरेंट। यहाँ पर भैया ने बुलाया था, अभी कॉल किया वो बाहर गया है, आके बैठ जाओ बोल रहा था, तो उधर जाएंगे मोमो वोमो खाएंगे उसके बाद निकलेंगे। चलो अभी मैं टॉप में हूँ और ये देख सकते हो सिटी का नजारा। अब भी जैसे निकल आया वैसे लाइन चल गया यार। नीचे देखो गाड़ी इधर उधर चल रहा है और वहाँ पर आई लव ले लिखा है। रेस्टोरेंट में आ गया और ऑर्डर भी कर लिया, देखेंगे क्या क्या आएगा ऑर्डर में। मैंने थम्स अप मंगाया है दाई। बढ़िया बढ़िया, दाई भी पी रहे हैं मेरे साथ गाइस थम्स अप, तो पियेंगे उसके बाद निकलेंगे गाइस। और जैसे मैं बाहर निकला ना आप लोगों को दिखाने के लिए, पूरा लाइन चला गया यार, यहाँ पर इतना पैक होता है क्या बताऊँ। ये है गार्लिक ब्रेड, अभी खाएंगे टेस्ट करेंगे ठीक है। फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं सच में। भी खा रहा हूँ सच में यार, लाइफ में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। मजाक मत उड़ाना कसम से। तो दाई ऐसे खा रहा है तो मैं भी ऐसे खाऊंगा ना। अच्छा पूरा नाश्ता हो गया और हमने बनाया था 1400 का बिल, वो पूरा फ्री, मतलब पूरा फ्री भाई पूरा फ्री। बिग क्रेजी को इतना प्यार देता है ना क्या बताओ यार, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग ने प्यार दिया सपोर्ट किया, यू कैन कम गाइस ऑल फॉर। बहुत अच्छा है यहाँ पर, सर्विसिंग भी काफ़ी बढ़िया है। और गाइस ये स्पॉन्सर नहीं है ठीक है, मुझे अच्छा लगा पर्सनली क्योंकि भैया अच्छा है ना, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग आ सकते हो खा सकते हो, मुझे तो मस्त लगा भाई। ये देखो पिज्जा भी अभी कैरी की रहा हूँ, पिज्जा भी खा नहीं सका तो इसके लिए कैरी किया। तभी चलते स्कूटी का हमारा, ये देखो ये तो नहीं है। पूरा रास्ता हो गया, अभी हम पहुंच गए यार कर्मा दाई के हाउस में। कौन मिल गया।